रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अगले 3 घंटे में आएगा तेज तूफान, भूलकर भी न करें ये गलती। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई दिनों पूर्व आए तूफान की वजह से देश के कई हिस्सों में काफी धन जनवरी की हानि हुई। उस समय भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। देश के कई राज्यों में अलर्ट को ध्यान में रखते हुए 8 और 9 मई को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर संभवतः पहली बार चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंडी हवाओं के तूफान का रूप लेने के पीछे वजह डाउनबर्स्ट है, यानी हवा चलने के दौरान नीचे और दबाव बढ़ता है और जब यह जमीन से टकराती है तो बाहर की तरफ धक्का मारती है, जिससे तेज हवाएं तूफान में बदल जाती हैं। जो डाउनबर्स्ट 2.5 मील से छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोबर्स्ट कहते हैं। आपको बता दें कि 1 नवंबर 1876 को बैकरगंज में आए तूफान में 2 लाख लोग मारे गए। पिछले सप्ताह भी मचाई थी भारी तबाही, जिसमें 124 लोगों की मौत हुई थी। गत सप्ताह 5 राज्यों में आए तूफान से लगभग 300 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो गए थे। वहीं 43 सबसे ज्यादा मौतें अकेले यूपी के आगरा जिले में हुई थीं। इस तूफान की वजह से 13,000 बिजली के खंभे राजस्थान में उखड़ गए थे। आंध्र प्रदेश के कोरगा में 25 नवंबर 1839 को आए इस चक्रवाती तूफान ने करीब 3 लाख लोगों की मजदगी ली और 25,000 जहाजों को बर्बाद किया। ऐसा था इस पिछले तूफान का सफर, जिसमें काफी लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। तूफान के दौरान स्मार्टफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग न करें। अगर ऐसा करते हैं जो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी तेज बारिश या तूफान के साथ बिजली चमके तो उस समय स्मार्टफोन स्विच ऑफ जरूर करें। संभावित समय में अपने घर से बाहर दूर की यात्रा न करें। लाइक और फॉलो बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पिछले सप्ताह आपके राज्य या जिले में तूफान का असर देखा गया था? कमेंट करके जरूर बताइए।